नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का, आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई गोलीबारी, एक युवक जख्मी। गोरगम्मा गांव में जमीन विवाद दो पक्षों के बीच विवाद में हुए गोलीबारी में एक युवक जख्मी हो गया। जख्मी युवक सवीन चौधरी का प्राथमिक उपचार रेफरल अस्पताल में किया। युवक की हालत स्थिर बनी हुई है। दूसरे पक्ष से मनोज चौधरी और सुनील कुमार का इलाज रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है। इस गोलीबारी की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने फायरिंग कर भाग रहे मुंगेर औडा बगीचा गाँव निवासी आनंद राज उर्फ अरविंद यादव को देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा और गांव में पेड़ में बांध दिया। घटना की सूचना मिलने पर दरोगा अनिल सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों पक्ष के जख्मी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा और ग्रामीणों द्वारा देशी कट्टा और गोली के साथ पकड़े युवक को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जख्मी सवीन चौधरी ने बताया कि वह 7 कट्ठा जमीन जो उसे पैतृक संपत्ति के बंटवारा में उससे हिस्सा मिला है, उस जमीन पर धान का फसल लगाया है। उसी जमीन पर गुरुवार की सुबह धान की फसल की कटाई कर रहा था। इसी बीच गोतिया मनोज चौधरी, लूचे चौधरी, मनीष चौधरी और उसके परिवार के अन्य सदस्य खेत पर जाकर धान की फसल की काटने का विरोध करने लगे। जब वह विरोध किया तो मनोज चौधरी का दामाद औड़ा बगीचा निवासी आनंद राज उर्फ अरविंद यादव और उसके साथ मुंगेर के ही लगभग आधा दर्जन अपराधी फायरिंग करते हुए खेत की ओर आने लगे। इसी बीच अन्य अपराधी मौके से भागने में सफल रहा। वहीं आक्रोशित लोगों ने आनंद राज उर्फ अरविंद यादव का जमकर पिटाई कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों के बीच पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे दिनों से विवाद चल रहा है। थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने बताया कि देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना के लिखित आवेदन पर कार्यवाही की जा रही है। लाइव टीवी समाचार के लिए भागलपुर मंडल प्रभारी चंद्रशेखर कुमार भगत की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।